Welcome to our channel Gravity Coaching Center. Here is a question. A bag contains 50 paise, 25 paise and 10 paise coins in the ratio 5:9:4 amounting to rupees 206. Find the number of coins of each type respectively. तो इस बैग में थ्री टाइप के कॉइन्स हैं, एक तो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो और उसके रेशियो दी हुई है नंबर्स की। तो आप ऐसा करते हैं कि 50 पैसे कॉइन और एक 25 पैसे कॉइन है और एक है 10 पैसे कॉइन है, और इनके नंबर्स जो होता है उसको हम पहले लेटर लेते हैं। इसके जो नंबर्स है वो 50 पैसे वाले को 5x और 25 वाले को 9x और 10 पैसे वाले को 4x, और टोटल अमाउंटिंग कितने हो रहे हैं 206। तो क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 206 लिख देना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 250x और ये हो जाएगा 225x और लास्ट वन 40x इक्वल टू टोटल रुपीस कितने हो गए 206। हमें इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो ये हो जाएगा 206,00 और अब सबको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 6, 6 × 5 = 11 = 1 = 515x इक्वल टू 206,00। सो देयरफॉर x इक्वल टू 206,00 अपॉन 515। और इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 103 और इसको 5 से करेंगे तो 5×4=20, 5×1=25, 0। अब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40x की वैल्यू क्या आ गई 40। तो हमें नंबर ऑफ इच टाइप कॉइन्स क्या हो जाएगा, 50 पैसे वाले का कितना है 5x है, तो 5×40 ये हो गया 200। और दूसरा क्या है, 25 पैसे की नंबर्स कितनी है 9x, 9×40 ये हो गया 36,00। और 10 पैसे कॉइन के नंबर्स कितने हो जाएंगे, 4×40 = 160। सो आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।